उठाऊं तो कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले कलम उठाऊं तो कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले पढ़ो जनात तो पढ़ो जनात तो दुनिया नबी नबी बोले आज के प्रोग्राम के कन्वीनर मदरसा दारुल अमीन कागजी टोला बीबी गंज के नाजिम आला मस्जिद रहमानिया के इमाम व खतीब और आप आज के प्रोग्राम के मेज़बान भी कन्वीनर भी मेरे छोटे भाई जनाब कारी मोहम्मद शाहिद रहमानी लहरपुरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और नातिया कलाम के चंद अशआर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलता है बस हम इस नियत से खड़े हुए हैं कि मौरख इस्लाम हज़रत मौलाना कफ़ील अशरफ़ साहब दामन बरकातुहू हम लोगों की खुशनसीबी की वो हाजिर हो गए और उलमाए किराम मौलाना आफ़ताब आलम साहब और आवाम मस्जिद के आसपास के महल्ले वाले माशाल्लाह शिरकत किए। मैं इस नियत से हाजिर हूँ कि आप सबको मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम कामयाब इंशाल्लाह हम सब दीन की खिदमत करेंगे और पांचों वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक देगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और हजरत मौलाना हमारी गलतियाँ रही हैं माजत चाहते हैं हमारे असल सदर कारी अज़ीज़ुद्दीन साहब सिद्दीकी साहब पूरी जो है तवज्जो से सदार फरमा रहे हैं ये हम अपने आप को बहुत कमी महसूस करते हैं क्योंकि आप हमारे बड़े हैं उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद मामूर साहब कासमी दामत बरकातों हजरत मौलाना कारी नूरुद्दीन नूरी बहराची साहब और भी असातिज़ा हमारे तशरीफ लाए हैं कारी सैयद शाह फैसल साहब हमारे बहुत ही खास और आसपास के चौकी चार साजिद बेग साहब की बड़ी खिदमत है जो मौजूद रहे पूरे प्रोग्राम में। अल्लाह ने बहुत ही प्रोग्राम को अच्छा बनाया और हजरत मौलाना खालिद कासमी साहब उस्ताद मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब आप हरम पर एक दो अशआर पढ़ते हैं जो अपने घर में रोजाना हमारा कुछ पैगाम सिर्फ कुरान के हवाले से एक दो अशआर माजा चाचा आपका वक्त हमने जो अपने घर में रोजाना तिलावत करता रहता है जो अपने घर में रोजाना तिलावत करता रहता है जो अपने घर में रोजाना तिलावत करता रहता है जो अपने घर में रोजाना तिलावत करता रहता है वही दर असल कुरआन की वही दर असल कुरआन की हिफाजत करता रहता है वही दर असल कुरआन की हिफाजत करता रहता है जो अपने घर में रोजाना तिलावत करता रहता है। दोनों हवाले से समझिएगा दुनिया में बहुत आलम हम लोग इतनी गुनाह करते हैं फिर भी अल्लाह ताला हम सबको बख्श करता है और बख्शेगा जरूर इंशाल्लाह। जो अपने घर में रोजाना तिलावत करता रहता है वही दर असल कुरआन की हिफाजत करता रहता है बहुत महबूब है अल्लाह हको दुनिया में वो आलम बहुत अच्छे बच्चे बहुत महबूब है अल्लाह हको दुनिया में वो आलम बहुत महबूब है अल्लाह हको दुनिया में वो आलम
गुनाहों पर हमेशा जो नदामत करता रहता है, गुनाहों पर हमेशा जो नदामत करता रहता है। माशाल्लाह पूछते हो कि हाजत रावा कौन है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछते हो कि हाजत रावा कौन है, पूछते हो कि पूछते हो कि आजत रवा कौन है, एक खुदा के सिवा, एक खुदा के सिवा दूसरा कौन। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा मिसरा है। एक खुदा के सिवा दूसरा कौन है, कोई हाजिर भी हो कोई नाजिर भी हो, कोई हाजिर भी हो कोई नाजिर भी हो, कोई हाजिर भी हो कोई हाजिर भी हो कोई बदरो दुजा, आप शमसु दुहा, आप बदरो दुजा, आप शमसु दुहा, आप बदरो दुजा, आप शमसु दुहा, आप जैसा हसी मुस्तफा कौन है, आप जैसा मुस्तफा कौन है। पूछते हो कि हाजत रावा कौन है। माशाल्लाह